स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी क्रोजन। क्रोजन क्या होता है? द डिट्रोरेशन ऑफ मेटल विद एयर एंड वाटर इज नोन एज क्रोजन। क्रोजन जनरली कंटिन्यूसली मेटल को डिकम्पोज करती रहती है, जिसके कारण मेटल की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है, मेटल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होती जाती है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कंसेप्ट इज क्रोजन। क्रोजन को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करते हैं। क्रोजन इन केस ऑफ आयरन इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। क्रोजन इज द प्रोसेस वेयर डेटोरेशन और ब्रेक डाउन ऑफ मेटल विद द रिजल्ट ऑफ एयर एंड वाटर सराउंडिंग इट इज नोन एज क्रोजन। एनी प्रोसेस ऑफ डेटोरेशन एंड कंसिक्वेंटली लॉस ऑफ मेटल इज नोन एज क्रोजन। इट अगर एसिडिक एरिया में क्रोजन अकर करती है। ये हम इसका रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन में वाटर पार्टिकल जब मेटल के पीस पर कंबाइन करता है तो एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन हाफ सेल बनता है, जिसके बेस पर आयरन वाटर आयरन ऑक्साइड प्लस एच पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोजन कहते हैं। क्रोजन की प्रोटेक्शन के लिए हम पहले बैरियर प्रोटेक्शन लगाते हैं। बैरियर प्रोटेक्शन में हम ऑयल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्लास्टिक से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पेंट से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जनरली मैकेनिकल टूल्स, ऑटोमोबाइल इंजन और पेंटेड एरिया को हम बैरियर प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चेसी को हम पेंट करते हैं और इनसॉल्युबल फिल्म ऑफ आयरन फॉस्फेट की अप्लाई करते हैं। नाउ वी स्टडी इसके बेस पर हमारे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन होती है, जिसके बेस पर हम मैग्नीशियम को आयरन की रोड के साथ अटैच करते हैं, जिसके साथ वो कंटिन्यूसली इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन। मैग्नीशियम टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन वाटर के साथ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आयरन की पाइप कंटिन्यूसली प्रोटेक्टेड रहती है। नाउ वी स्टडी यूजिंग आर्टिफिशियल एनोड। एनोड आर्टिफिशियल बनाने के लिए हम एनोडिक हाफ को प्रोटेक्ट करते हैं। यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन अमोनियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आ गया गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में डियर स्टूडेंट हम जिंक ऐड कर देते हैं, जिसके बेस पर आयरन कंटिन्यूसली प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम रस्टिंग। That is all about corrosion. Thanks to watch this.